नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या लाल और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आइए देखते हैं आज की खबरों को। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है मोहन मोटर्स, बाय सेल एक्सचेंज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस और गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। मुख्य समाचार। कांजीवाल केस में नया खुलासा, गांजा बेचा करती थी अंजलि की दोस्त निधि। विमान में महिला पर पेशाब करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका, एक 6 वर्षीय विद्यार्थी ने टीचर पर चलाई गोली। तेलंगाना सरकार ने स्कूलों को संक्रांति अवकाश की घोषणा की। चैंस नेचर्स ने छीने 6 महिलाओं के आभूषण। बैंकों ने बढ़ाया एफडी पर ब्याज, सीनियर सिटीजन को राहत। सानिया मिर्जा ने की टेनिस से संन्यास की घोषणा। कांझावाला कांड में हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। हादसे में जान गंवाने वाली अंजनी की दोस्त निधि के बारे में पता चला है कि वो गांजा सप्लाई करती थी। इस केस के तार हैदराबाद से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। उसे 2020 में अवैध तस्करी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। निधि 9 दिन तक जेल में रही थी और दिसंबर 2020 में उसे 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी। वह सिकंदराबाद स्टेशन से गांजा लेकर दिल्ली जा रही थी कि उसे आगरा कैंट स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि अंजलि की मौत के मामले में निधि के बयानों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इससे पहले मिले सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और उसकी सहेली निधि के साथ एक लड़के को भी देखा गया था। जोशीमठ में भूदसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूदसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डो को चपेट में ले लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस घटना पर लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शुक्रवार शाम उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने कहा है कि प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री फौजा सिंह सरारी ने कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का वफादार हूं और आगे भी रहूंगा। सरारी ने अपने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दिया। मंत्री फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही है। नए चेहरों को भी इस इस्तीफे के बाद मौका मिल सकता है। अमेरिका में बच्चों द्वारा हथियार के उपयोग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह की घटनाओं का सिलसिला जारी है। वर्जिनिया के रिशनेक एलिमेंट्री स्कूल में 6 साल के एक छात्र ने टीचर पर फायरिंग कर दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि वर्जिनिया के न्यूपोर्ट सिटी में हुई इस घटना में कोई अन्य छात्र घायल नहीं हुआ। वर्जिनिया के मेयर फिलिप जोन्स ने बताया है कि इस मामले में आरोपी 6 साल के बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि छात्र और टीचर के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद लड़के ने ये गोली चला दी।
न्यूपोर्ट पुलिस प्रमुख स्टीव ड्रू ने कहा है कि उन्हें दोपहर करीब 2 बजे गोली चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उनकी टीम वहां पर पहुंच गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि छात्र द्वारा चलाई गई बंदूक आई कहां से। इस घटना के बाद स्कूल को छुट्टी घोषित कर दी गई। पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग कुछ दिनों से जोर पकड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। ये मामला मुख्य न्यायाधीश टी वाई चंद्रचूड़ी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को तय की गई है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी मुंबई निवासी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी शंकर मिश्रा को बीती रात बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। वो थाना संजय नगर क्षेत्र के होम स्टे में रह रहा था। कुछ क्रू मेंबर्स और सहयात्रियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सहयात्री फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पुलिस में अपना बयान दर्ज करेंगे। एयर इंडिया के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं। हालांकि पीड़िता के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपना बयान कुछ समय बाद दर्ज करेगी। तेलंगाना सरकार ने संक्रांति पर्व के अवसर पर स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। सभी स्कूलों को 13 जनवरी से 17 जनवरी तक कुल 5 दिन अवकाश होगा। 18 जनवरी को स्कूल फिर से खुलेंगे। वही जूनियर कॉलेज को 13 से 15 तक अवकाश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से कक्षाएं फिर से शुरू होगी। हैदराबाद में आज छीना झपटी करने वालों ने कुछ ही घंटों में 6 घटनाओं को अंजाम दिया। शहर के करीब 6 जगहों पर सुबह तड़के महिलाओं के गले से सोने के आभूषण छीने गए। उपल नाचरा उस्मानिया विश्वविद्यालय समेत अन्य इलाकों में बाइक पर घूमने वाले उचक्कों ने गली से गुजरने वाली महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। समझा जा रहा है कि इन सभी वारदातों में एक ही गिरोह के सदस्य लिप्त हो सकते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया। RBI द्वारा बैक टू बैक रेपो रेट हाइक ने आखिरकार उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है जो अपनी जीवन यापन के लिए ब्याज पर ही निर्भर है। रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बड़ी बढ़ा दी हैं। FD का ब्याज 8% तक पहुंचने से वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिली। 3 साल बाद ये पहला मौका है जब अधिकांश बैंकों के सीनियर सिटीजन FD रेट 8% के ऊपर चले गए। लोग अपने मौजूदा FD के ब्याज की समीक्षा के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारत का नाम रोशन कर चुकी सानिया मिर्जा दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में टेनिस को अलविदा कह देगी। ये टूर्नामेंट अगले महीने फरवरी में दुबई में खेला जाएगा। भारत को 6 बड़ी चैंपियनशिप जिताने वाली सानिया मिर्जा ने बहुत कम समय में खेल संन्यास लेने का फैसला किया है। सानिया मिर्जा का करियर शानदार रहा है। उन्होंने 6 बड़ी चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल जीते हैं। उन्होंने 3 बार डबल्स और 3 बार मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है। उन्होंने पहली बार 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोड़ीदार भारतीय दिग्गज महेश भूपति के साथ मिश्रित युगल जीता था। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी के बाद भी उन्होंने भारत के लिए खेलना जारी रखा। सानिया मिर्जा को भारत के लिए टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण आदि सम्मिलित हैं। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप देखते रहिए नव भारत समाचार।